पर आए तो क्या मामला है, क्या मनाने के लिए आए क्या आज आप? दीपक जी का आदेश था तो मैं आया हूँ उनके पास, मनाने की जरूरत ही नहीं है। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, हाथ पीछे को दीपक को मनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई और दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की जरूरत। पिछले दिनों दीपक जोशी जी का ही जो है बयान आया था कि विकल्प खुले हैं सारे, क्या मायने निकाले जाए मीडिया में जो आया था? आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी, इसके अलावा कुछ भी मान लिया जाए। ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। इतनी देर बैठक चली आपकी और चर्चा भी चली तो क्या मान लिया जाए मनोज चौधरी जी भी? क्या चर्चा हुई बंद कमरे में, क्या कुछ बात? देखिए चुनाव है, चुनाव के बारे में जितनी आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है सब लोगों से बैठकर हाट पिपलिया चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं मेरे पास तो नहीं है, कार्यकर्ता के हिसाब से मैं भी यहाँ पर आऊंगा। कैलाश जी कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे इस चुनाव? 24 की 24। क्या चुनौती मानते हैं अभी इस चुनाव को? बिल्कुल नहीं, हाट पिपलिया से कौन होगा उम्मीदवार? इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाए, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ते की बात की वो नहीं मिला, हमारे वो दूध उत्पादक जिनको कहा था कि हम दूध उत्पादन में प्रति किलो सब्सिडी देंगे वो नहीं मिली, वे महिलाएं जो कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनसे कहा था कि उनका कर्ज माफ कर दिया वो माफ नहीं हुआ, बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया छलावा किया, ये सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। हाट पिपलिया का उम्मीदवार तय हो गया है क्या? हाँ मतलब करीब करीब हमें ऐसा लगता है भैया कि उम्मीदवार करीब करीब तय। कौन की दीपक जोशी? समय पर ये एक बयान आपने दिया था आर्टिकल 30 हटाने के लिए, आपने क्या मानते हैं उसको आर्टिकल को हटाने के लिए? देखिए आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए था, किंतु उसके आड़ में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई हैं तो आर्टिकल 30 के ऊपर समीक्षा होना चाहिए, और ऐसा क्यों कि सिर्फ उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिले? यदि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अन्य शिक्षण संस्थान भी आए, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के क्यों नहीं, तो उनको भी मिला। किसान बार बार चक्का जाम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सवाल उठा रही, चक्का जाम आज ही देवास में हुआ, देवास की विधायिका यहाँ पे नजर नहीं आ रही है।